हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऑथराइज एजेंट के बारे में बात करने वाला हूं कि भारतीय रेलवे दिन प्रतिदिन अपना मतलब नया नया ट्रेन स्टार्ट किए जा रही है, अपना फेयर को इंक्रीज डिक्रीज किए जा रही है, महंगाई कितना बढ़ते चली जा रही है, लेकिन फिर भी भारतीय रेलवे को ऑथराइज एजेंट पर ध्यान नहीं जाता है। ऑथराइज एजेंट पर बस रेलवे को यही ध्यान जाता है कि ऑथराइज एजेंट पर्सनल आई डी से टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तत्काल टिकट बना रहे हैं पर्सनल आई डी से, लेकिन रेलवे ये नहीं समझती है कि एजेंट कितना मजबूर होकर वो पर्सनल आई डी से टिकट बनाते हैं, कि एजेंट आईडी कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है। दूसरा नंबर, एजेंट आईडी में तत्काल टिकट 11:15 में बुकिंग होता है, तो एजेंट करे तो करे क्या। और एक बात कि एजेंट लोगों का जो सर्विस चार्ज आज से कई सालों पहले से जो स्लीपर में 20 रुपये था, एसी में 40 रुपये था, वो अभी तक उसको इंक्रीज नहीं किया गया। आप खुद बताइए 20 रुपया 40 रुपये से क्या घर चल जाएगा इस महंगाई में। 4 टिकट 6 टिकट भी बनाएंगे तो 20 रुपया, और इसी में बनाएंगे तो 20 रुपये, मतलब हम घर से 12,000-13,000 लगा के हमको अगर 20 रुपये 40 रुपये आए तो क्या फ़ायदा है मेरे को टिकट बुकिंग करके। नॉर्मली जो लोग रेलवे काउंटर के आसपास में आप लोग देखे होंगे कि वो जो लोकल का ट्रेन का टिकट काटते हैं 10 रुपये 12 रुपये में, वो लोग 10 रुपये का टिकट बुकिंग करते हैं तो 2 रुपये 4 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन हम एजेंट लोग अगर टिकट बुकिंग करते हैं 2,000-4,000 का तो उसमें 20 रुपये और 40 रुपये का कमीशन मिलता है, वो भी उसमें परफेक्ट 20 रुपये 40 रुपये मिलता नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एक टिकट में दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये टिकट बुकिंग हुआ है, इस टिकट बुकिंग में देखिए टिकट फेयर आपका दिखा रहा है 6,195 रुपये का, इसमें कन्वीनियंस फीस दिखा रहा है 35 रुपये 40 पैसे का, एजेंट सर्विस चार्ज दिखा रहा है 40 रुपये का क्योंकि ये एसी का टिकट है, और पीजी चार्ज देखिए 62.30 62.30 62.30 पैसा। ये देखिए पेमेंट गेटवे चार्ज, मतलब जिस आईडी जो हम लोग मैंने एजेंट आईडी यूज़ करते हैं, जो कंपनी प्रोवाइड करता है, उसको 62.30 रुपये मिल रहा है और एजेंट को मिल रहा है 40 रुपया। मतलब एजेंट दुकान खोल के बैठे हैं, उनको रेंट देना पड़ता है, अपना इंटरनेट का खर्चा देना पड़ता है, सीपीयू कंप्यूटर लैपटॉप को रिपेयरिंग खर्चा देना पड़ता है, प्रिंटआउट खर्चा, लेकिन मिलता क्या है सिर्फ 40 रुपये, वो भी 40 रुपये क्या बताएं, आप लोग को पता ही होगा। एजेंट लोग मजबूरन तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं या पर्सनल आईडी का यूज़ करते हैं, और रेलवे खास करके उन लोगों को ज़्यादा ध्यान IRCTC एजेंटों पर क्यों होता है कि उनको पकड़ लो, RPF भेज देती है, 143 का धारा लगा देती है, एजेंट लोग ये कर रहे हैं, एजेंट लोग वो कर रहे हैं। अरे एजेंट लोग तो मजबूरी में वो सब काम कर रहे हैं, वो लोग क्या जानबूझ के करते हैं क्यों? रेलवे को ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि हाँ 11 बजे जो तत्काल टिकट रेलवे पर कटता है वो एजेंट आईडी में भी कर दिया जाए, या एजेंटों का सर्विस चार्ज बढ़ा दिया जाए। कोई फोकस नहीं, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं रेलवे का कि बस एजेंट आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी चार्ज ले लेते हैं, अरे ईयरली रिन्यूअल चार्ज भी देना पड़ता है, तो प्रॉफिट क्या है एजेंट आईडी लेने का? अगर रेलवे को ध्यान इस पर नहीं देना है तो एजेंट आईडी वाला सिस्टम बंद कर दे। एक और टिकट देख रहे हैं आप, जैसे कि इसमें देख रहे हैं 12,390 रुपये का टिकट है, जिसमें 35 रुपये कन्वीनियंस फीस, 40 रुपये एजेंट चार्ज, और पीजी चार्ज देखिए पेमेंट गेटवे चार्ज 124 रुपये 25 पैसा, मतलब जो कंपनी आईडी प्रोवाइड कर रहा है वो 124 रुपये 25 पैसा ले ले रहा है और एजेंट सिर्फ 40 रुपये, क्या फ़ायदा है? कस्टमर तो बेवकूफ़ है नहीं, जो कस्टमर आपको पीजी चार्ज भी देंगे, एजेंट चार्ज भी देंगे, IRCTC कन्वीनियंस फीस भी देंगे, तो एजेंट आजकल पैसेंजर्स आजकल बेवकूफ़ नहीं हो गए हैं, वो लोग इसीलिए खुद से पर्सनली टिकट बुकिंग कर लेते हैं ताकि एजेंट चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा मेरे को। तो भारतीय रेलवे से यही मेरा गुजारिश है कि प्लीज़ IRCTC का ऑथराइज एजेंट पर ध्यान दें, एजेंटों के लिए भी कुछ किया जाए, जैसे कि और सभी सिस्टम में हो रहा है इसमें भी बदलाव होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अगर आप एक यूट्यूबर है या आप एक एजेंट है तो आप भी इस तरह से वीडियो बनाएं और रेलवे तक पहुंचाएं। मेरा एक वीडियो बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। और भी यूट्यूबर भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ कृपया करके वो भी इस तरह का यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें और बनाए और यह बात रेलवे तक पहुंचाए ताकि एजेंट भाइयों को कुछ सुविधाएं रेलवे के तरफ से मिल सके। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी, हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।